बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फैंस भी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन इसी बीच आज सोमवार यानी 9 मई को अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज काफी समय से अपनी रिलीज होने के इंतजार में है। आपको बता दें, ये फिल्म यशराज फिल्म्स बैनर तले बनाई गई है। इस फिल्म का ट्रेलर भी यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। 2 मिनट 53 सेकंड का ये ट्रेलर बेहद ही शानदार है। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के रोल में दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। 3 जून को अक्षय के फैंस का इंतजार खत्म हो जाएगा और फिल्म पृथ्वीराज 3 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। फिल्म पृथ्वीराज के ट्रेलर की बात करें तो इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी को पेश करने की कोशिश की गई है। ट्रेलर की शुरुआत अक्षय की धांसू एंट्री और 12वीं सदी से होती है। फिल्म की कहानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर में 1191 और 1192 में हुए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच के तराइन के युद्ध की भी झलक देखने को मिल रही है। बता दें, इस फिल्म में अक्षय के किरदार को देखकर उनके फैंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनके फैंस में काफी जोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में दिए अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी तो उनका क्या रिएक्शन सामने आया था। अक्षय ने कहा था, ये फिल्म इतिहास, देशभक्ति और उन मूल्यों के चित्रण को एक साथ लाता है जिन्हें हमें जीना चाहिए। ये फिल्म प्यार की एक कहानी को भी बताती है जो शायद ही किसी ने देखी हो। साथ ही बता दें, इस फिल्म का निर्देशन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है।